गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आज है मंडे और सुबह के बजे हुए शार्प 6। तो अब हम जा रहे हैं फराबाग। फराबाग एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, तो अभी हम जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी बताएंगे कैसा है। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोगों का मॉर्निंग रूटीन है, सब वॉक पे निकले हुए, मस्त सुबह की फ्रेश मॉर्निंग है और बारिशों में तो सुबह और भी अच्छी लगती है। बस अभी निकल पड़े हैं और आपको भी दिखाते हैं कि वो जगह कैसी है। हम पहले मतलब वो भी 9-10 के पीरियड में बहुत जाते थे, सब फ्रेंड सर्कल हमारा, घूमने के लिए बहुत कुछ है नगर में। अभी जैसी बारिश शुरू हो गई तो मैं और भी खुश हो गया हूँ कि आप लोगों को भी चीज़ें दिखा पाऊँगा। ठीक है, चलो देखते हैं। फिलहाल आए हुए महाराज को लेने, फिरोजिया सर को लेने। तो फिरोजिया सर तो साथ नहीं रहते हमेशा, कहीं भी जाओ तो वो तो रहती है हमारे साथ। तो अभी आ रहे हैं वो, बस सर के लिए रुके हुए। वो आए तो हम निकले, लेट करते हमेशा। बहुत बड़े टाइम बाद सुबह उठाऊँ ना, तो इसलिए फिर आँखें सूजी हुई लग गई, नींद हो जाएगी पूरी। अब फिरोजिया सर आ रहे, निकलते हैं। ठीक है, लास्ट गए हुए संडे को आपने क्या किया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। फिर सर आ गए अभी अपने टाइम के हिसाब से, मस्त निवांत। पर ऐसे चढ़ के जाना पड़ रहा है क्योंकि जो मेन गेट है वो बंद है और बारिश हल्की हल्की चल रही है, मौसम का मजा आ रहा है। तो वेलकम टू फरियाबाग गाइस, ये बहुत ही प्लेजेंट मॉन्यूमेंट है। वापस इसका थोड़ी सी रिपेयरिंग चालू है, अभी देखते हैं। रिनोवेशन आई गेस, रिनोवेशन चल रहा है। ये पूरा ग्रीन हो जाता है, अभी पहली दूसरी बारिश है तो यहाँ पे पूरा पानी वगैरह सब भर जाता है। और चलो अभी देखते हैं, आपको उसका इंटीरियर दिखाता हूँ। फरियाबाग जो एक बहुत ही प्लेजेंट मॉन्यूमेंट है, बट लोगों ने इसे ख़राब कर दिया है। लोगों की आदत है इसे ख़राब करना, मतलब हर जो अच्छी चीज़ होती है लोगों को ख़राब करना बहुत पसंद है। अभी जैसा कि आप देख रहे हो, कई कई लोगों ने नाम वगैरह लिखे हुए, जैसे शाउट आउट टू सोहम और भूनिका, इन दोनों ने यहाँ पे गंदगी मचाई हुई है। तो ऐसे प्लीज़ प्लीज़ आपसे मतलब रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी जाते हो, अभी यहाँ पे तजाल ने की हुई है अपनी प्यारी सी हरकतें, तो जो भी आप लोग देखते हो कुछ भी अच्छे मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे अपना प्लीज़ ध्यान रखा कीजिए कि ये जो है अपनी हेरिटेज है, ये सब जो भी बनाया हुआ है इसे बहुत मेहनत लगती है बनाने के लिए। वो लोगों वो उस ज़माने में जब बनाया था तो इतना स्ट्रांग था, और अभी आप देख सकते हो कि लोगों ने लिटरली इसे मतलब कचरा करके रखा है। इसका आप इंटीरियर देखो, इतना प्यारा सा है और इसे ख़राब कर रहे लोग। आप ही कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसे ख़राब करना वर्थ है या नहीं। कंस्ट्रक्शन बहुत ही पुराना हो चुका है इसका,
ये करीब करीब इसका कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, अभी थोड़ा सा रेनोवेशन चल रहा है, क्योंकि सब इंडियंस को पता है कि अपने जो भी मॉन्यूमेंट्स है उसे बचा के रखना है, बट सीन ऐसा है कि ख़राब करने वाले लोग बहुत सारे, तो भाई अपना ही है यार, ध्यान रखो ऐसी सब चीज़ों का, ऐसी सब चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस होता है। इतना प्यारा सा मॉन्यूमेंट है और लोगों का तो काम ही ऐसे बर्बाद करना। ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ दी गई है जो आप देख सकते हो, बट अभी जा नहीं सकते क्योंकि कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है इसीलिए। ठीक है, फरियाबाग जो है इधर, यहाँ पर कोई भी रूम्स वगैरह नहीं है फरियाबाग में, मतलब क्लोज डोर्स वगैरह कुछ भी नहीं है। फरियाबाग जाना जाता है अपने पूरे मतलब हाईली वेंटिलेटेड एक महल के लिए जो बना हुआ है, यहाँ पे कुछ भी क्लोज वगैरह कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब जो भी है सी थ्रू है, मतलब सब कुछ भी क्लोज है नहीं यहाँ पर, मतलब वॉल कंपाउंड है नहीं रूम वगैरह के लिए, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर की एंट्री है और वहाँ जा सकते हैं जो अभी क्लोज है, अभी जो वहाँ पे जा नहीं सकते। ये आता है मिलिट्री कैंटनमेंट एरिया में, VRD एरिया में, सॉरी टैंक म्यूजियम की एरिया में। तो अभी हमने नोटिस किया अंदर एक बात कोई बंदा इसको खोल के आया था, तब ये लॉक था नहीं शायद, कड़ी लगी हुई थी सिर्फ, और हम वहाँ से चढ़ के आए थे, तो ऐसा होता है, ध्यान रखा करो, प्रेजेंस ऑफ माइंड।